ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्य साईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमंगल सिद्धये। चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्य कांतिरनुभाति समस्त लोका श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तन रतास्तव दिव्य नामा गायन्ति भक्ति रसपान प्रहृष्ट चित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्य कुसुमानि मनोहराणि श्रीपाद पूजन विधिं भवदंग्रिमूले कर्त्रुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशांतरागत बुधास्तव दिव्यमूर्तिम् संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्त मंत्र पठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुत चरित्रमखंड कीर्तिम् व्याप्तां दिगंतर विशाल धरातलेस्मिन् जिज्ञासु लोकमुपतिष्ठति चाश्रमेस्मिन् श्री सत्य साई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वंगना करगृहीत सुपुष्पहारा स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणम् स्वा श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने देवि शन्ति परन्धामा ज्ञान विज्ञान शोभिता मंगलम् गुरुदेवाय मंगलम् ज्ञानदायिने मंगलम् प्रतिवासाय मंगलम् सत्यसाईने। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधु वर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधु जन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभय प्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तट पुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः ॐ श्री साई आतत्राणपरायणाय नमः ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः ॐ श्री साई करुणाकराय नमः ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिने नमः ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः ॐ श्री साई प्रियाय नमः ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः ॐ श्री साई अतीताय नमः ॐ श्री साई कालातीताय नमः ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः
ओम श्री साई सर्वसिद्धि प्रदाय नमः ओम श्री साई आपन निवारिणे नमः ओम श्री साई आर्तिहराय नमः ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः ओम श्री साई सुलभ प्रसन्नाय नमः ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः ओम श्री साई राम भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं, सुखासन पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें, ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो, दोनों हाथ घुटनों पर चिन मुद्रा में रखें, आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सो हम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सो हम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें, फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभयदान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है।
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मन मुटाव है या जिनका हमसे मन मुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर, अमर, अविनाशी, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सो हम, सो हम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्ष।
जय